नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको यूपी पुलिस दरोगा भर्ती के बारे में बताएंगे। और दोस्तों, यूपी पुलिस दरोगा भर्ती के आवेदन आ चुके हैं, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, कुछ दिनों में लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। तो चलते हैं वीडियो की ओर, आपको बताते हैं यूपी पुलिस दरोगा भर्ती के बारे में, उसकी योग्यताएं क्या क्या दी हुई है। तो चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, मैंने अपने फोन में सरकारी एग्जाम की ऐप डाउनलोड कर रखी है, तो उसी से लॉग इन करते हैं। चलिए, यूपी पुलिस दरोगा भर्ती जल्दी 5623 पद। ठीक है, स्टार्टिंग डेट अक्टूबर, यानी अक्टूबर में किसी भी तारीख को लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। इसकी फीस की है जो ऑल कैटेगरी के लिए 400 रुपये है। लास्ट डेट अभी अपडेट सुन हो जाएगा, जल्दी अपडेट आने वाला है दोस्तों। इसमें एज दी हुई है 21 ईयर्स, मिनिमम आप 21 साल के होने बहुत आवश्यक है, अन्यथा आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। मैक्सिमम आपकी 28 साल होनी चाहिए जनरल और ओबीसी के लिए। एससी एसटी के लिए इसमें 28 साल का, और उसमें एज रिलेक्शन दिया हुआ है 5 साल का एससी एसटी के लिए। 5623 पोस्ट है दोस्तों उसमें। और इसमें सैलरी है आपकी, अगर सैलरी की बात की जाए तो 27,900 से लेकर 1,04,400 रुपये एज पर 7th पे कमीशन, यानी 7th पे वेतन आयोग के अकॉर्डिंग। दोस्तों, में आपका ग्रेजुएट होना बहुत अनिवार्य है। ग्रेजुएट इसमें जो क्वालिफिकेशन दी गई, आपको किसी भी संस्थान से, किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से ग्रेजुएट होना बहुत अनिवार्य है। इसके बिना आप ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर सकते दोस्तों। वैसे ये एक टेनेटिव यानी अस्थाई नोटिफिकेशन दिया हुआ है, मतलब ये डिटेल्स वगैरह जो दी है ये अस्थाई है। अगर इसमें कुछ चेंज होता है तो जैसे ही लिंक एक्टिवेट हो जाएगा तो ये परमानेंट हो जाएगा। फिजिकल डिटेल्स में दी हुई है, मेल्स कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर उसकी हाइट होनी चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी के लिए, और 168 जो सेंटीमीटर है वो रिजर्व कैटेगरी यानी ओबीसी एससी एसटी के लिए। इसमें चेस्ट दी है मेल कैंडिडेट के लिए 86 से 87 सेंटीमीटर जनरल कैटेगरी के लिए, और 81 से 85 सेंटीमीटर जो वे है ओबीसी एससी एसटी के लिए रिजर्व कैटेगरी के लिए। अब आती है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जो रनिंग इसमें 2.5 किलोमीटर की रेस लगानी है 12 मिनट में मेल कैंडिडेट को। तो दोस्तों, अभी से रेस लगाना शुरू कर दीजिए, अभी से कंटिन्यू कर दीजिए, अभी टाइम पड़ा है आपके पास बहुत, क्योंकि इसमें सबसे मेन चीज जो रेस है, अगर रेस आपकी क्लियर हो गई तो पेपर भी आप क्लियर कर ही सकते हैं। तो दोस्तों, अब की बार यूपी पुलिस में सिलेक्शन जरूर पाना है। फीमेल कैंडिडेट के लिए 1 किलोमीटर की रेस 6 किलोमीटर में लगानी है। तो दोस्तों, यहाँ नोट्स दिया हुआ है कि कैंडिडेट्स आर सजेस्टेड टू रीड द ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिगार्डिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड रीड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बिफोर अप्लाई। कह रहा है कि अप्लाई करने से पहले आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन होता है जो, वो उसमें सारी नोटिफिकेशन होती है क्या क्या एलिजिबल होता है, वो सारी पढ़ लेने के बाद ही आप फॉर्म को अप्लाई करें। दोस्तों, आप अप्लाई करने से पहले, मैंने वैसे सारी नोटिफिकेशन आपको बता दिए, फिर भी आप पढ़कर ही अप्लाई करें। दोस्तों, रिक्वायरमेंट होता ऑनलाइन एप्लीकेशन, या आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट, मार्कशीट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है आपके पास, एंड सर्टिफिकेट क्लाइंबिंग वेट्स, या आपको पास यो मार्क्स अंडर सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया एंड डोमोसाइल आपका होना चाहिए उत्तर प्रदेश का, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा आपका वो ऑल ओवर यूपी में होगा। सोनभद्र सिर्फ एसटी कैंडिडेट के लिए है। और दोस्तों, उसमें सीबीटी एग्जाम होगा जो 400 नंबर का होगा, 2 घंटे का, उसमें 400 मार्क्स होंगे, एक सेक्शन 100 नंबर का होगा, ये जो एक सेक्शन होगा वो 100 नंबर का होगा।
दोस्तों मोड ऑफ सिलेक्शन इसका रिटन एग्जामिनेशन होगा, फिजिक्स साइको होगा, फिर एंड मेडिकल। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट शेयर करके हमें ज़रूर बताना, और ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो पाने सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। तो दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।